पहला अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। देश के अंदर पहले जनजाति समुदाय से महिला राष्ट्रपति बनी है, जिन्होंने केंद्रीय कक्ष में अपनी बात को रखी है। हम उनको धन्यवाद नहीं देना चाहते, सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21 सुधीर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 21 जी, बोलिए बोलिए आप बोलिए जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश में एम्स जैसी संस्थाओं को बहुत बड़े पैमाने पर विस्तारित करके देश के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया है। मैं धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में मेडिकल कॉलेज की बड़ी श्रृंखलाएं प्रारंभ की, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के 3 जिला मुख्यालयों पर 3 मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि बजट के अंदर 174 नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किए की घोषणा की है, उसमें भी मेरे संसदीय क्षेत्र को लाभ होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एम्स जैसी सुविधाओं में क्या मेरे संसदीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों का एक समूह बनाकर और बीमारियों के स्पेशलाइजेशंस को करते हुए क्या मिनी एम्स को लाने का राज्यों के साथ कोई समझौता करके प्रस्तावित करेंगे क्या? ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि उनके क्षेत्र में एम्स जैसी सुविधा, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एम्स का विजन भी बना रहा कि लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिले, टर्शरी केयर मिले, रिसर्च पे काम हो और उन्हें उसके साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को कि जहाँ हमारा एक एम था, अभी 22 एम्स बनने जा रहे हैं, जिसमें से 6 फंक्शनल है और जिसमें मध्य प्रदेश में जो है वो भोपाल में एम्स जो फंक्शनल है। माननीय सदस्य ने जैसे कहा है कि उन्हें एम्स जैसी सुविधा चाहिए, तो ज़रूर उस तौर पे केंद्र सरकार काम कर रही है और जिसमें आज भोपाल में हमारे 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बजट भी दिया गया है, उसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज को भी बजट दिया गया है जो कि अच्छे पैमाने पे सुविधा देंगे। मैं आदरणीय सदस्य को यह कहना चाहती हूँ कि सरकार की मंशा ये है कि गांव-गांव तक अच्छी सुविधा पहुँचे, जिस दिशा में आज हमारी सरकार काम कर रही है। महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होकर निर्माण के लिए और तैयार हैं, एक मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन की सुविधाएं प्रारंभ हो गई रतलाम में, मंदसौर और नीमच 2 मेडिकल कॉलेज में, आप क्या इसी सत्र से शैक्षणिक सुविधाएं प्रारंभ करेंगे क्या? माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के अंदर आज देश के चिकित्सा के संबंध में G20 के विषय में रक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल है और आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रश्नकाल समय पे सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। आप सदन की मर्यादा नहीं है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यगण,
ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। देश के अंदर पहले जनजाति समुदाय से महिला राष्ट्रपति बनी है, जिन्होंने केंद्रीय कक्ष में अपनी बात को रखी है। हम उनको धन्यवाद नहीं देना चाहते, सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जाइए, हम सब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका पहला अभिभाषण है, आप क्या सदन के अंदर दिखाना चाहते हैं जनता को? आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो, बजट पर चर्चा करो, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करो। मैं सदन में आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं उनका नोटिस दें। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित।